महिला खिलाड़ियों के समर्थन में उतर चुकी हैं स्वाति मालीवाल। जी हां, स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर यहां पर ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ये कह दिया है कि अब स्त्रियों का दर्द नहीं समझते आप, और हमारे यहां कहा भी जाता है कि जो स्त्रियों का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते। अब देखना यह पड़ेगा कि स्वाति मालीवाल की बातों का फर्क कितना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर फिर से एक ट्वीट सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद से पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली में कल तक जारी था। नए संसद भवन का उद्घाटन हो जाता है, इसके साथ साथ जो है ये आरोप लग जाता है कि धारा 144 का उल्लंघन हुआ। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने जो है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया तमाम खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया, घसीट दिया, मारपीट कर दी, हाथापाई कर दी, ये लगता है। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा साझी मलिक, जी हाँ, एक उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है साक्षी मलिक ने कि ये व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन स्वाति मालीवाल, जी हाँ, डीसीडब्ल्यू की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि नए संसद भवन की भव्य बिल्डिंग बनने से लोकतंत्र कैसे सुदृढ़ होगा जब तक उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे बैठे होंगे। दिल्ली पुलिस न्याय मांगती हुई बेटियों को सड़क पर खदेड़ेगी और हिरासत में लेगी तो क्या लोकतंत्र की ये खूबसूरती है? तो क्या ये लोकतंत्र का जो है यहाँ पर अच्छा दृश्य है? ये बात स्वाति मालीवाल ने कही। बीती रात उन्होंने ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक को लेकर वन वर्ल्ड जो है ट्वीट किया जो काफी भावुक करने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट में सिर्फ एक शब्द लिखा, हार्ट ब्रेकिंग। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया। वीडियो में साक्षी मलिक एक तरफ साल 2016 के ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच रही हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस जो है घसीट रही है, दिल्ली पुलिस उनको जो है खींचतानी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दर्द वाली बात है। ये बात उन्होंने कहा कि जिस साक्षी मलिक ने 7 साल पहले देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया था उसी के द्वारा अपना हक मांगने के बाद कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कई सारी धाराओं पर केस दर्ज कर लिया। ये बात जो है ये बात यहां पर स्वाति मालीवाल ने कही है, और ये स्वाति मालीवाल का नहीं, तमाम किसानों ने यह बात कही है, खाप पंचायत के सदस्यों ने यह बात कही है कि यहां पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।